गजब दृश्य है, भव्य सीन है। नहा के दिखाता हूँ। हर की पौड़ी का ब्रह्म कुंड आरती स्थान, और इसके बाद ये नागा बनने के मार्ग पर चल निकले हैं। और जगह जगह पर हैंड सैनिटाइजर स्टेशन बनाए गए हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी हरिद्वार में दुनिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ का आगाज हो चुका है। देश भर के श्रद्धालु यहाँ पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। साधु संत, बाबा, नागा और सन्यासी भी आ चुके हैं। और आज हमारी महाकुंभ यात्रा का दूसरा दिन है। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अभी हम हर की पौड़ी आ गए हैं, जहाँ पर मुख्य स्नान होता है। और दोस्तों, आज हम अपनी महाकुंभ यात्रा के दूसरे दिन हर की पौड़ी स्नान आपको दिखाएंगे। तो चलिए महाकुंभ हर की पौड़ी स्नान शुरू करते हैं। दोस्तों, सामने आप देख रहे हैं हर की पौड़ी पर लोगों को श्रद्धा की डुबकी लगाते हुए महाकुंभ के मौके पर हजारों श्रद्धालु। गजब दृश्य है, भव्य सीन है। हम आपको पास से भी दिखाएंगे और आसपास का नज़ारा जो है अद्भुत है। वाव, गजब। दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ। और यहाँ का रात का भी नज़ारा बड़ा अद्भुत होता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बताइए, यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े मेले दिव्य महाकुंभ में आकर के और यहाँ हर की पौड़ी पर स्नान करके कैसी अनुभूति हो रही है? शुद्ध हो गए, मजा आ रहा है पूरा। बहुत ठंडा पानी है, नहा के दिखाता हूँ। यहाँ पर दिव्य महाकुंभ में आकर के और हर की पौड़ी में स्नान करके कैसा लगा, अनुभूति कैसी हुई? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। ये महाकुंभ यहाँ पे लगा है हरिद्वार में, इसे आके बहुत अच्छा लगा। झांकियाँ निकल रही हैं, सब लोग आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। हम भी यहाँ पे आए हैं, आनंद ले रहे हैं और नहाया, स्नान किया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। दोस्तों, हम आपको गंगा उस पार भी ले चलेंगे, परंतु इस पार के सीन अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कल कल बहती स्वच्छ गंगा को आप देख रहे हैं यहाँ हरिद्वार में। अद्भुत गजब सीन है यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं हर की पौड़ी पर आयुर्वेदिक काढ़ा भी मिल रहा है। अच्छा, ये आयुर्वेदिक काढ़ा आप लोग दे रहे हैं, तो इससे फायदा क्या होगा? फ़ायदा ये है, जनरल इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है ये। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं सौंठ, काली मिर्च, पिपली, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जायफल और जावित्री, दालचीनी और तुलसी पत्र। इनको तो कोरोना में भी काफी कारगर होगा। हाँ बिल्कुल, इम्यूनिटी इम्प्रूव करेगा तो डेफिनेटली कोरोना के लिए कारगर है ये। और गले में खराश है, हल्का बुखार है, तो उसमें भी काम करेगा ये। दोस्तों, अब हम गंगा के इस पार आ गए हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं को स्नान करते हुए आपको दिखा रहे हैं। वाओ, गजब। महासंगम में डुबकी लगाते हुए आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं को, और इसी क्षण को एंजॉय करने के लिए देश क्या पूरे दुनिया भर के लोग आते हैं। दोस्तों, सामने आप देख रहे हैं हर की पौड़ी का ब्रह्म कुंड आरती स्थान। सामने आप देख रहे हैं, यहीं पर मुख्य स्नान होता है, और इसके बारे में बाबा जी बताएंगे, इसकी महत्ता के बारे में बताइए बाबा जी। ये आरती स्थल है हर की पौड़ी का, ब्रह्म कुंड क्षेत्र मुख्य स्थान है। शाही स्नान भी होता है यहाँ, VIP अधिकारी हैं वो सब यहीं पर उपस्थित होते हैं, सब फूलों की वर्षा होती है वो भी यहीं होती है। हाँ जी। और इस क्षेत्र को कवर्ड कर देते हैं प्रशासन, इस क्षेत्र को कवर्ड कर देता है हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड को। यही मुख्य स्थान है, मेन पॉइंट है, और यही का स्नान का महत्व है। हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड स्नान का महत्व है पूरे हरिद्वार क्षेत्र में। हाँ जी। दोस्तों, सामने आप देख रहे हैं हर की पौड़ी का ब्रह्म कुंड आरती स्थान, यहाँ पर मुख्य स्नान माना जाता है, और शाही स्नान भी यहीं पर होता है। दोस्तों, 12, 14 और 27 अप्रैल को यहाँ पर शाही स्नान होगा, और जब शाही स्नान होता है तो यहाँ पर जो आम लोग हैं वो यहाँ पर स्नान नहीं कर पाते हैं, दूसरे घाटों पर स्नान कर सकते हैं।
और यहाँ पर आप देख रहे हैं साधु संत आए हुए हैं स्नान करने के लिए। देख रहे हैं हर की पौड़ी के तीर्थ पुरोहित जी हैं। हम इनसे जानेंगे हर की पौड़ी के इतिहास के बारे में, महात्म्य के बारे में। बताइए बाबा जी, हर की पौड़ी का मतलब ये होता है, यहाँ से दो द्वार हैं, एक हरिद्वार एक हर द्वार। हर हरिद्वार मीन्स होता है हरि जी का, विष्णु भगवान बद्री नारायण जी के जो यहाँ से यात्रा करके जाते हैं, स्नान करके जाते हैं, और कुशाघाट यहाँ से थोड़ी सी दूर है, पिंडदान करके वहाँ पर यात्रा संपन्न होती है। हर द्वार भी कहते हैं, हर द्वार का मतलब हर महादेव, जो केदारनाथ यहाँ पर हमारे केदारनाथ का मंदिर है, यहाँ से उसकी भी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। जो जो हरिद्वार में गंगा जी पे नहाता है मुक्ति को पाता है, और मुक्ति को पाने के बाद अपने जितने भी पाप हैं ये सब धुलते हैं गंगा जी में नहाने से, और प्राणी को एक नई ऊर्जा मिलती है गंगा जी में। अच्छा, नई ऊर्जा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं सिक्कड़ लगाया हुआ है, यहाँ पर सिक्कड़ पकड़ करके लोग गंगा स्नान करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है नहाने में दोस्तों। और यहाँ पर जगह जगह पर हैंड सैनिटाइजर स्टेशन बनाए गए हैं, जहाँ पर आप अपने हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर महिलाओं के चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं, जहाँ पर कपड़े महिलाएं बदल सकती हैं। तो बहुत ही अच्छी सुविधा यहाँ पर हर की पौड़ी पर है दोस्तों, और साफ़ सफाई का भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है। सामने आप देख रहे हैं हर जगह यहाँ पर डस्टबिन रखे गए हैं। भागीरथी पुल से आप नीचे उतरेंगे तो ये नाई घाट है, आप देख रहे हैं नाई लाइन लगा कर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर पुजारियों के लिए पंडों के लिए भी जगह बनाए गए हैं लाइन से बिल्कुल। तो जो भी व्यक्ति कर्मकांड करवाना चाहते हैं तो वह इस घाट पर आते हैं। और दोस्तों यहाँ गंगा घाट पर भी कोरोना जांच की व्यवस्था है, सामने आप देख रहे होंगे। और सुभाष घाट पर ही आप सामने देख रहे हैं सुभाष चंद्र बोस का स्मारक, और सुभाष जी का पूरा जीवनी यहाँ पर लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। बिरला घाट आ गए हैं, और सामने आप देख रहे हैं सैकड़ों बाबा यहाँ पर बैठे हुए हैं, दीक्षा हो रही है उनकी, सन्यास दीक्षा हो रही है, और इसके बाद ये नागा बनने के मार्ग पर चल निकलेंगे। और पिंडदान भी होता है, हम आपको पिंडदान भी दिखाएंगे, बिल्कुल नज़दीक से आपको दिखाएंगे कैसे पिंडदान होता है। दोस्तों यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं सन्यास दीक्षा के अंतर्गत पिंडदान की प्रक्रिया हो रही है। दोस्तों अब हम आपको रात के समय हर की पौड़ी और गंगा घाट की खूबसूरती दिखाने जा रहे हैं। रात के समय बहुत ही भव्य अद्भुत और शानदार लाइटिंग है दोस्तों, आप देखोगे तो दंग रह जाओगे। और हम अपनी यात्रा की शुरुआत गौ घाट से करने जा रहे हैं। तो अभी शाम का समय है और यहाँ हरिद्वार गंगा घाटों पर बहुत भीड़ है। ये अन्य घाट की यात्रा हम कर रहे हैं, हर की पौड़ी जाएंगे वहाँ पर और आपको भीड़ मिलेगा दोस्तों। आप देख रहे हैं रात के समय हर की पौड़ी का भव्य सीन, रात में भी काफी ज्यादा भीड़ है, यहाँ पर देख रहे हैं लोगों को गंगा स्नान करते हुए। और इधर की लाइटिंग अभी हम आपको दिखा रहे हैं, वाओ गजब। अब हम हर की पौड़ी आ चुके हैं और अभी हम आपको यहाँ दिखाएंगे रात के समय हर की पौड़ी का कुंभ स्नान। पर कुंभ स्नान करके आकर के कैसी अनुभूति हो रही है? बिल्कुल अद्भुत लग रहा है, यहाँ पे आके बहुत मजा आ रहा है, और यहाँ पे काफी आनंद आ रहा है, कुछ अलग ही सुविधा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आगे।
यहाँ कुंभ आकर के और स्नान करके कैसी अनुभूति हो रही, फीलिंग हो रही है? यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है स्नान कर कर बहुत। अभी थोड़ी देर पहले अभी यहाँ आरती हुई है, साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे थे। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर, बहुत ही मन लग रहा है यहाँ पर आकर। और जो जो भाई देख रहा हो एक बार आओ जरूर आप घूमने के लिए यहाँ पर। लाइटिंग्स वगैरह में बहुत बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया लाइटिंग हो रखी है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है यहाँ पर आने के बाद। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज हमने हरिद्वार हर की पौड़ी की यात्रा की, महाकुंभ स्नान भी आपको दिखाया और रात के समय का भी अद्भुत सीन आपको दिखाया। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारा ये कवरेज, हमारी यात्रा आपको कैसी लगी, क्योंकि उसी के आधार पर हम अपनी यात्रा को यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम अपनी यात्रा को यहीं पर विराम देते हैं और एक और अद्भुत जर्नी हम कल शुरू करेंगे महाकुंभ हरिद्वार में।